आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप डेप्रीवेशन के बारे में। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इसके कॉजेज क्या हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्लीप डेप्रीवेशन होती क्या है। एक ज़रूरत के मुताबिक नींद ना लेने को हम सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो स्लीप डेप्रीवेशन कहते हैं। जो प्रॉपर नींद लाइक 8 से 9 घंटे हमें सोना चाहिए दिन में, पर अगर नहीं सोते तो हम स्लीप डेप्रीवेशन का शिकार हैं। इसके कॉजेज क्या हैं, हमारे माइंड में टेंशन चल रही है, हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम से रिलेटेड हमें टेंशन है, जॉब से रिलेटेड टेंशन है, कोई बिजनेस से रिलेटेड टेंशन है, कोई रिलेशनशिप को लेके हमें टेंशन है, ठीक है, लाइफस्टाइल को लेके हमें कोई टेंशन है, जहनी तौर पे जिस्मानी तौर पे हम डिस्टर्ब हैं, इन चीज़ों को वजह से हम सो नहीं पाते, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, सोने की कोशिश करते हैं पर नींद नहीं आती, तो हम स्लीप डेप्रीवेशन में चले जाते हैं। इसके नुकसान क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमारी मेंटल हेल्थ वीक होती जाती है, दूसरी चीज़ हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड स्विंग होते हैं, हमें गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा आता है, किसी से दूसरे से लड़ने को पड़ते हैं, ठीक है, फिजिकल हेल्थ जो है वो हमारी वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा। कग्निटिव जो है, कग्निटिव से मुराद है कि हमारी जो लर्निंग की स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग की स्किल्स हैं, वो बहुत वीक हो जाती हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर नींद ली तो हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता, अच्छे से चीज़ों को जज नहीं कर पा रहा होता, तो कग्निटिव भी हमारी वीक हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता। उसके बाद लास्ट में अगर हमने प्रॉपर नींद नहीं ली तो आप कहीं ड्राइविंग पे निकल गए हैं, कोई भी आप मशीनरी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो